नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेशनल न्यूज 10 में। चलिए बात करते हैं बिजनौर के मोहल्ला मिर्गान में। एक बार फिर पड़ोसी दबंगों ने परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है, जिसमें सरफराज नाम के युवक के काफी गंभीर चोटें लगी हैं, जिसको आनन फानन में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पीड़ित परिवार की तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। क्या नाम है? मेहराजुद्दीन। क्या हुआ? जी मेरा एक जमीन है 35-40 साल से, नगर पालिका से मुकदमा चल रहा सर। अब उसमें मेरी जमीन में वो रास्ता है, मैंने देखता नहीं, इनकी कॉलोनी का रास्ता पल्ली तरफ को है, उधर को चलते नहीं, मेरी जमीन में वो आते हैं तो ये मुझसे रंजिश रखते हैं। कौन? ये पल्ले वाले जैसे सोनू है, बूध है और साकिर है, कई सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं उस कॉलोनी के रहने वाले, सभी लोग रंजिश रखते हैं, या तो रास्ता देने मार देंगे, आए दिन यही धमकी देते हैं। अब इन्होंने उस दिन क्या किया कि मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाया कि वो एक फ़कीर के 500 रुपये छीन लाया। बताओ एक फ़कीर वो 5,000 रुपये कैसे कमा लगा रोज, 5,000 रुपये बताया इन्होंने। जी आपको भाई का हमला क्या गया, क्या बोलेंगे? जी हमारा ये है कि मैं खड़ा था अपनी लड़की को लिए हुए, इधर से सोनू आया, उसके पापा आए, बूथ चचा और एक जाकिर था और एक रशीद ताए थे, उनके सोनू के पापा थे, और पूरी उनके पीछे पलटन थी,